Hello Bacho! Let's see this question. This question says a place a glass beaker partially filled with water in a sink, partially filled with water in a sink. The beaker has a mass of 390 gram, interior volume is 500 centimeter cube. You now start to fill the sink with water and you find by experiment that if the beaker is less than half full, it will float, but if it is more than half full, it will remains on the bottom of sink. एज द वाटर राइज टू इट्स रिम वट इज द डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल विच द बीकर इज मेड आपको ये बताना कि बीकर जिस मेटेरियल का बना है उसकी डेंसिटी क्या है क्या दे रखा है कि आपके पास एक ग्लास है और वो कैसा हाफ फील्ड ग्लास बीकर सॉरी तो ये हो गया ग्लास बीकर मान ली आपके पास इस तरीके से और ये हाफ फील्ड है यहां तक आपके पास इसमें वाटर भरा हुआ है और एक है किसी सिंक में रखा जाता है ऐसे ये मालते आपका सिंक हो गया जब तक ये हाफ फील्ड है मीन्स हाफ से थोड़ा सा कम तो ये फ्लोट करता है तो इस फ्लोटिंग कंडीशन को यूज करके जो आपकी कंडीशन है वो फाइंड आउट की जा की जा सकती है तो यहां पर जो हेल्पिंग होगा या की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास की कॉन्सेप्ट तो ये कौन सा होगा फ्लोटिंग की कंडीशन कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग क्या होती है जो वेट होगा आपके पास उसको कौन बैलेंस कर देगा फोर्स जब इस कंटेनर इस इंक के अंदर क्या लिक्विड यानी कि वाटर फिल किया जाता है और धीरे धीरे वाटर का लेवल बढ़ेगा अब क्या कंडीशन है कि अगर ये जो कंटेनर है ये हाफ फिल्ड है तो आपका जो कंटेनर यानी कि बीकर है ये फ्लोट करता है तो इसी कंसेप्ट का यूज करके अपन इसकी बाकी कंडीशन को जो पूछिए वो डिराइव कर सकते हैं तो सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर बीकर के अंदर जो हाफ फिल्ड है तो मास ऑफ वाटर निकाला जा सकता है मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर उस कंटेनर में मास कितना होगा वाटर का एमडब्ल्यू तो मास कैसे लिखते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी अगर ग्राम के अंदर लें तो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम जो है टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो हाफ फिल्ड है तो 250 यानी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो यानी कि मास आ जाएगा 250 ग्राम तो आपके पास जो कंटेनर है सॉरी जो बीकर है उसमें जो वाटर है उसका मास आ गया आपके पास और बीकर का मास भी है अब ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग की कंडीशन अपन जानते हैं क्या होगा कि जो वेट होगा जो वेट होगा टोटल वेट उसको कौन बैलेंस करेगा बायोसी फोर्स तो यहाँ देखिए वेट किस किस के बराबर होगा एक तो कंटेनर का भी मास दे रखा है तो इसका भी वेट होगा आपके पास और वाटर का मास अपन निकाल चुके हैं तो मास ऑफ कंटेनर थ्री नाइन्टी ग्राम प्लस मास ऑफ वाटर कितना है टू फिफ्टी ग्राम अब ग्राम को किलोग्राम में बदलें तो ये हो जाएगा टेन टू पावर माइनस थ्री इन जी और बायोसी फोर्स क्या होती है आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि रो वाटर आपका यहां पर क्या है वाटर फील्ड के रखा है और मान लेते हैं कि आपका जो ये कंटेनर है सिंक जो देख रहा है ये इस लेवल भर गया आपके पास और ये क्या कर रहा है बीकर इस टाइम पे फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो बीकर है कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो मान लेते डिस्प्लेस वॉल्यूम जो है आपके पास वी है और इंटू जी तो जी से जी तो कैंसिल आउट हो गया और रो वाटर कितना टेन टू पावर थ्री तो आ जाएगा आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी थ्री नाइनटी प्लस टू फिफ्टी तो ये हो जाएगा सिक्स फोर्टी टेन टू पावर माइनस थ्री और ये भी अपन में आएगा तो थ्री और ऊपर जाएगा माइनस का यानी टू पावर सिक्स मीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब तो ये जो हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्ले अब कंडीशन क्या की अगर आपका जो बीकर है वो पार्शियली फील्ड से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है तो आपका जो कंटेनर है बीकर है वो क्या होगा इस सिंक में डिप कर जाता है यानी कि जो कंडीशन हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी इस तरीके से कि जैसे हल्का सा ही मास यानी कि हाफ हिल्ड से थोड़ा सा भी आगे किया आपका बीकर डिप कर जाता है और सिंक को टच कर जाता है और सिंक में जो वाटर लेवल है वो कहां तक कहा जाता है इसके रिम तक तक यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट तो यहाँ पर देखिए मास में केवल हल्का सा ही चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो बीकर जो हाफ हिल्ड था आपके पास हाफ हिल्ड से थोड़ा सा ही ज्यादा वो क्या करे डिप कर गया इसका मतलब ये जो वेट और बायोनसी की इक्वेशन है वो यहाँ पर भी वैलिड होगी क्योंकि मास में केवल हल्का सा ही चेंज है तो ये जो भी आपके पास आया वी तो ये वी क्या होगा इस कंटेनर के पूरे एक्सटेरियर वॉल्यूम के बराबर भी होगा क्योंकि तो जैसे ही मास आपके पास या हाफ हिल्ड था हाफ हिल्ड से थोड़ा सा कम है तो ये क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है हाफ फील्ड से थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ तो ये सिंक कर गया इसका मतलब जो वॉल्यूम अपने यहाँ पर निकाला ये वॉल्यूम इस कंटेनर के एक्सटीरियर वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करेगा तो ये कह सकते हैं जो ये वॉल्यूम आ रहा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर भी होगा क्योंकि जो आपके पास फोर्स है या अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें कोई ज्यादा इतना वेरिएशन नहीं है थोड़ा सा ही डाला तो नीचे चला गया मींस ये जो वॉल्यूम इसके पूरे एक्सटीरियर वॉल्यूम को भी बताएगा और इंटीरियर वॉल्यूम दे रखा तो अपने को पांच सेंटीमीटर क्यूब तो अपन ये जो जिस मेटल का जिस मेटल का या जिस का ये बीकर बना हुआ है उसका सोलिड मास तो उसका सोलिड मास का मतलब जो मेटल है उसका अपन क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं इंटीरियर दे रखा आपको 500 सेंटीमीटर के एक्सटीरियर मिल गया तो ये जो बेटल है आपके पास इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट कौन सा वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट वी एस लिख देते तो ये कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी माइनस फाइव हंड्रेड यानी कि कितना आ जाएगा वन फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब तो जो सॉलिड पार्ट है उसका वॉल्यूम आ गया आपके पास मास आपको बीकर का दे रखा तो है तो डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी जो हो जाएगी आपके पास बीकर की वो क्या हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम मास आपका थ्री नाइन्टी है ग्राम के अंदर ये तो ये अपना वन फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा तो ये लगभग लगभग आपके पास जो डेंसिटी है ये आएगी इसको सोल्व करने पर टू पॉइंट नाइन सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपने यहां पर ऐसा यूनिट क्या ले रखी है यहां पर ये तो आपके पास ग्राम में और ये सेंटीमीटर क्यूब में तो डेंसिटी होगी टू पॉइंट नाइन सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये क्या हो जाएगी आपके पास टू नाइन सेवन जीरो इंटू ये किस में हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो जो बीकर है उसकी डेंसिटी आ गई आपके पास 2970 नाइन सेवन जीरो के जी पर मीटर क्यूब सो फाइनल आंसर इज टू नाइन सेवन जीरो के जी पर मीटर क्यूब तो इस वाले न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिक फ्लोटिंग की कंडीशन ले रखी है अपन ने कंडीशन इनिशियली हाफ फील्ड से थोड़ा सा ही कम है तो आपका फ्लोट करता है इसका मतलब इसके वेट को कंटेनर के वेट के प्लस जो वाटर है इसके अंदर तो उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा बायसि फोर्स तो so, इस इक्वेशन से अपन ने इसका वॉल्यूम निकाल लिया कौन सा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिसप्लेस का या फिर कंटेनर का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है लेकिन जैसे ही पार्शियल फिर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ पूरा का पूरा कंटेनर आपका नीचे आ गया और जो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ स्लाइड चेंज क्योंकि पार्शियल फिर से थोड़ा सा ही ज्यादा किया अपन ने तो पूरा नीचे आ गया इसका मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था वाटर का और जो कंटेनर का ये एक्सटीरियर वॉल्यूम है दोनों क्या होंगे लगभग लगभग बराबर होंगे तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए आपके पास इंटीरियर वॉल्यूम दे रखा है एक्सटीरियर अपन ने फाइंड आउट कर लिया तो जो मास बचा उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम आ गया और स्पीकर का मास दे रखा तो वहां से अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक